दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम में अपडेट आने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड को कैसे हटाएं। जैसे कि आपको पता है इंस्टाग्राम में अपडेट आने के बाद सभी फीचर चेंज हो चुके हैं और जो सेटिंग हम इंस्टाग्राम में पहले आसानी से कर लेते थे अब वो सेटिंग करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। इन सभी प्रॉब्लम में से ज्यादा प्रॉब्लम आजकल प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटाने में आ रही है क्योंकि इंस्टाग्राम में अपडेट आने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाने में कुछ लोगों को ज़्यादा समस्या आ रही है और कुछ लोग तो ट्राई करने के बाद भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड को इंस्टाग्राम ऐप से नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि अब जो सेटिंग है वो चेंज हो चुकी है, इधर की उधर हो चुकी है। और इस वीडियो में आपको सबसे सिंपल और सबसे आसान भाषा में सिखाया जाएगा इंस्टाग्राम में अपडेट आने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड को कैसे हटाएं। यह है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। अब इसके लिए हम सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं और अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाने के लिए आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर टच करना है। प्रोफाइल पर टच करने के बाद हमारी जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से आ चुकी है और हमारी प्रोफाइल पर हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमें इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हटाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर थ्री लाइन पर टच करना है। थ्री लाइन पर टच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे एक पॉपअप आ चुका है। अब आपको यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी पर टच करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर टच करने के बाद आपके सामने इंस्टाग्राम की सेटिंग कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप यहाँ पर इंस्टाग्राम की तमाम सेटिंग देख सकते हैं। अपडेट आने से पहले आपको पता था इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल डैशबोर्ड को कैसे हटाते थे, लेकिन अब सेटिंग चेंज हो चुकी है और अपडेट आने के बाद अब अगर आपको इंस्टाग्राम से प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाना है तो आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर क्रिएटेड टूल्स एंड कंट्रोल पर टच करना है। जैसे आप यहाँ पर क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा, स्विच अकाउंट टाइप। अब आपको यहाँ पर स्विच अकाउंट टाइप पर टच करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ चुका है, स्विच टू बिजनेस अकाउंट और दूसरा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अब अगर हमें इंस्टाग्राम से अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाना है तो हमें यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर टच करना है। अब हम यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर टच कर लेते हैं और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर टच करना है। अब हमारे इंस्टाग्राम से प्रोफेशनल डैशबोर्ड हट चुका है। अगर हम यहाँ से बैक करते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं अब हमारी प्रोफाइल में हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड का फीचर नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमारे इंस्टाग्राम से प्रोफेशनल डैशबोर्ड का फीचर हट चुका है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलजाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।